पर नेता उपलब्ध हैं उन सबका, और आप सब माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं सबको, और मेरे सब भाई और बुजुर्गण बैठे हैं उनको सबको मैं राम राम करना चाहूंगी। सब लोगों ने यहाँ आके जो अपना प्रेम जताया उसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। बल्लू ने, आप लोगों ने मिलके जो आज यह समागम इकट्ठा किया उनके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ आपके इस प्रेम के लिए। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं चार दिन से अब इस क्षेत्र के अंदर हूं, दो दिन अभी झालावाड़ और उसके बाद अब आज दूसरा दिन बारा के अंदर मेरा यह घूमने का मौका मिल रहा है। ये पिछले 6 महीने 7 महीने से जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी, जब से मेरे को मौका मिला है पूरे राजस्थान का दौरा करने, और इस पूरे दौरे के अंदर करीबन 5 महीने लग गए, 14,500 किलोमीटर दूरी, जिसमें आपके यहाँ भी एक मीटिंग अपन लोगों ने की, 186 मीटिंग पूरे राजस्थान के अंदर करके सब लोगों की जो संकट है उसको सुनने की हमने कोशिश की। और आप लोग मानोगे नहीं, आपका संकट हो, झालावाड़ का संकट हो, कोटा का संकट, या अजमेर, या आपका उदयपुर या जोधपुर, सबके संकट एक से हैं। 65 साल गुजर गए और मालूम ही नहीं पड़ा कि समय कहां गया, परंतु उधर नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात को निकाल के और दुनिया के पर्दे के ऊपर मैंने ला के रख दिया। इधर मध्य प्रदेश का आपने देखा है, 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश छा गया और राजस्थान गड्ढे के अंदर ऐसा घुस गया है, इस तरीके से डाल दिया इन लोगों ने कि मैं नहीं समझती हूं कि 5 साल में ये बाहर निकल पाएगा, ऐसी हालत कर दी है। मुझे याद है कि बिजली की समस्या एक जमाने में यह हुआ करती थी कि हमारे क्षेत्र के अंदर तो जोर जोर टिमटिमाती हुई थी बिजली और उस पार में अंधकार। किसकी सरकार थी उस समय? कांग्रेस की सरकार और दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। लोग मेरे मध्य प्रदेश के उस पार के इधर आके मेरे को कहते थे कि आपके जब देखते टमटमाते हुए सब पूरे बिजली को, हमारे लोग आके आपसे कह रहे हैं कि भाई हमें भी बिजली का इंतजाम इसी तरीके से कर दो। आज वो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। शिवराज जी के समय के अंदर आप लोगों को सब बिजली दिखाई दे रही है उस पार, और इस पार हम अंधकार में पड़े हुए हैं। ये ऐसा नहीं हुआ करता था। मुझे याद है कि बिजली का जब आप लोग टेलीफोन उठाते थे तो लोग कूद के आपकी बात को मानते थे। मानते थे कि नहीं? कभी आप लोगों को कमी नहीं हुई, कभी किसी किस्म की। और मैंने चला के एक दूसरी लाइन मैंने महिलाओं के लिए जो निकाली, जिसको घरेलू बिजली कहते हैं, वो घरेलू बिजली आप लोगों के घर के अंदर लाने का मैंने कोशिश की कि हमारे किसानों को जो बिजली नहीं मिल रही है, गर्म से धूप से वापस घर आते हैं तो महिलाओं के ठंडक में आप लोगों को बैठने का मौका मिलेगा, वो भी खाना ठंडक में बना पाएंगी। और सबसे बड़ी बात, अपनी बच्चे बच्चियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, अपने घर के लट्टू के नीचे ही वो अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे का अपना जिंदगी का ना अपने का सब पढ़ाई का चक्कर पूरी तरह से अपने हाथ में रहेगा। आज वो स्थिति हो गई है कि जो बिजली आपको 18-20 घंटे मिला करती थी वो 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं मिल रही है, और वो भी ट्रिपिंग के साथ। और जो आपको बिजली मिलती थी वो बिजली भी अब आप लोगों को 3 घंटे मिल रही है वो ट्रिपिंग के साथ। किसान कहता है कि अगर बिजली नहीं, पानी नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं तो मैं कहां जाऊंगा। और आज आपके साथ भी हालात है, सब दूर है। अभी करौली से निकल रही थी तो करौली डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत गरीब, दुबला पतला सा, उसके कंधे के ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, मीटर टंगा हुआ था और उसके हाथ में बिजली का बिल था। उसने मेरे बिजली का बिल दिखा के कहा, साहब मीटर तो मेरे कंधे में टंगा हुआ है, कनेक्शन मुझे मिला नहीं है और ये बिजली का बिल मेरे पास आ गया है, ये बिजली का बिल और 20,000 का, 1-2 हजार का नहीं, 20,000 का बिल आया है। तो मैंने कहा ये तुम्हारे गले में क्या टंगा हुआ है? उसने बाद में था, मीटर है, मैंने अभी तक मीटर भी नहीं लगाया। वालों को फोन किया, मैंने उनसे पूछा, उसको उससे मिलाया और मैंने कहा कि मैं पहले ही बिजली वालों को कह रही हूं और उन अफसरों को कह रही हूं, जो लोग हमारे गरीबों के साथ अन्याय करते हैं उनको आने वाली सरकार बख्शेगी नहीं, इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। इस 5 साल के अंदर आप लोगों ने सबके साथ मिलकर भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं छोड़ी है, एमएलए भी, आपकी सरकार भी और आपके सब अधिकारी भी, सब लोग उसके अंदर लगे। अब आपको आने वाले समय के अंदर ये नहीं करने देंगे और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि तुरंत ही इसका बिजली का कनेक्शन दिलवाइए। और ये 20,000 का बिल, जिसके पास कनेक्शन नहीं है, जिसके पास मीटर नहीं है, ऐसे को आपने ये बिल दिया तो कैसे दिया? दूसरे दिन सुबह मैं अपने
जहां रह रहे थे वहां से निकल रही थी, तो वहां मेरे को तो बिजली वाले मिला। मैंने कहा कि कैसे आ गए? उन्हें साहब मैं आपको रिपोर्ट करने आया, बिजली का कनेक्शन रातों रात उसको दे दिया है, उसके बिल को खत्म कर दिया है और उसके मीटर को टांग दिया है। मैंने कहा शाबाश, इसका मतलब तुम कर सकते हो, अगर एक रात में कर सकते हो तो इन सबको कर सकते हो, इन सबकी मदद कर सकते हो। अभी तो बड़े लाड साहब बन के बैठे हुए हो, आने वाले समय के अंदर सरकार जनता की होगी और जनता की सरकार को जनता के सेवक लोग जाके मदद करेंगे, उनकी को सुनने का काम करेंगे। सबको कह दिया कि बीसीआर क्या चीज होती है, सब लोगों के बीच में जा जाके जहां 2-2 हजार 1500-1500 मिले उसमें एक और शून्य लगा दिया बस मजे के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूं आप लोग सबसे, यहां बैठे हो किसी को भी फ्री बिजली मिल रही, फ्री दवाई मिल रही है कोई किसी को? हाँ वो मैं उस पर आ रही हूं, किसी को जांच हो रही है किसी की? मैं बताया यहां अस्पताल के अंदर तो आपके डॉक्टर ही नहीं है, तो वो जांच भी होंगे फ्री तो कहां से होंगे? आखिर जांच के लिए तो डॉक्टर की जरूरत है या लैब वाले की जरूरत है। अब यही नहीं है तो कहां से अपना जांच होगा? और जहां दवाई का बात की बात हुई, वहां आप ये समझिए कि 150 गोली या 150 दवाइयां हैं जिसको मिलना चाहिए, लाइन में लगो 3-3 घंटे लगो बड़ी मुश्किल से जांच कराने के बाद, अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके वहां खड़े हो जाओ, 4 घंटे बाद तो लाइन के नंबर आता है और नंबर आने पे बोल देते हैं कि भैया ये दवाई नहीं, ये दवाई नहीं, ये भी दवाई नहीं मिल रही है, इन सब की एवज में ये 2 दवाइयां ले जाओ। अब बड़ी मुश्किल से जाके आप वो 2 दवाइयां लेते हो, वो भी 3 दिन की दवाई मिलती है, उसके बाद दवाई खत्म हो गई तो फिर से लाइन में 5 घंटे, फिर से उसके पास, फिर से दवाई नहीं और फिर से वही चक्कर। तो ऐसे चक्कर का मतलब क्या? इससे तो अच्छा यह है कि हम डॉक्टर के पास चले जाएं, उससे लिखवा लें और आपका काम करा लें। ऐसी फ्री जांच लेके करेंगे तो करेंगे क्या? यहां आप लोग बैठे हो, मुझे यहां कोई ऐसा है बीपीएल परिवार का जिसको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला है? है कोई? मिला आपको 1 रुपए किलो गेहूं रेगुलर मिल रहा है? नहीं मिला? हाँ अभी तो पेंशन मिल रहा है ना। मैं अभी किसी गांव से निकली थी, कौन सा कल डग में गई थी 3 दिन पहले, पड़ासली या डोडा गांव मुझे याद नहीं है, महिलाओं ने मुझे रोका वहां। मैंने उनसे पूछा कि अभी तो बड़ी सौगातें मिल रही हैं, आप में से किसी को पेंशन मिला? तो वो कही मैं आपसे वही बात करने के लिए आई थी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 4 महीने पहले तो मेरे को पेंशन मिल गई, अब 3 महीने से पेंशन मिल नहीं रही है। मैंने कहा अभी 3 महीने बाद फिर मिलेगी ही नहीं, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि या तो ये लो पेंशन और दे दो वोट, यही काम है, इसमें और कोई बात नहीं है। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर आप इतने चिंतित थे तो इतने दिन से क्यों नहीं करते आ रहे थे? ये 4 साल कहां चले गए थे? इन 4 साल के अंदर आपने अगर लुगड़ी दे दी होती, अगर सही टाइम पे नरेगा का पेमेंट कर दिया होता, जो नहीं मिल रहा ना किसी को नरेगा का पेमेंट, नरेगा का काम कोई नहीं, तो ना नरेगा का काम ना नरेगा का पेमेंट, अगर लुगड़ी किसी को मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलना, पैसे भी नहीं मिलना, लैपटॉप के एवज में कुछ कुछ लोगों को पैसे मिले और वो लोग भी ऐसे लोग थे जिनको मिलने की जरूरत नहीं थी। आज पूरे प्रदेश, क्या पूरे देश के अंदर 70% आदमी बीपीएल में हो गया है। राजीव गांधी, राहुल गांधी कहता है ना कि हमको गरीबों से प्यार है, ये सही बात है, उसको गरीबों से प्यार है क्योंकि वो गरीबी के ऊपर ही 65 साल निकाले हैं। कभी आम आदमी के साथ हमारा हाथ, आम आदमी के साथ कभी गरीबी हटाओ, इन नारों के ऊपर ही जिंदा रहे हैं। एक जात को दूसरे जात से लड़ा के, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ा के, और गरीबी और दुख में सब लोगों को रख के उन्होंने 65 साल राज किया है। चले जाओ मध्य प्रदेश और देख लो, मेरे पास कितने सौ लोग आते हैं जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जाके वापस आके कहते साहब ऐसा काम करो जो मध्य प्रदेश में हुआ है। मैंने कहा ऐसा काम हमने 5 साल शुरू कर दिया था, अगर 5 साल हमें और मिल जाते तो आपको कभी कंधे के ऊपर से मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती। आज 5 साल के अंदर हमको जिस तरह गड्ढे में डाल के रख दिया है, 10 साल लग जाएंगे भाइयों हमको इसमें से निकलने के लिए। इसीलिए मैं कहती हूं कि हमको अगर नया राजस्थान बनाना है तो खाली वसुंधरा राजे नहीं, हम सबको मिलकर काम करना है। ये बल्लू अभी बता रहे सड़क की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है। अरे आपके 12 से ये कवई से लेके यहां तक का जो रास्ता है, ये कोई रास्ता कहलाया जाता है? इसको कोई रास्ता कहता है? और मैं आपको ये पूछना चाहती हूं, ये तो अभी बना है, मैं सुन रही हूं बरसात के बाद की बात है। हाँ ये गलती हो गई, बरसात के पहले किया,
थोड़ा दो महीने छोड़ के बरसात के बाद कर दिया होता तो आपको ये मालूम ही नहीं पड़ जाती, पोल तो बाद में खुलती। इन्होंने गलती से बरसात के दो महीने पहले कर दिया तो बरसात आई तो पूरा का पोर गया, कोई रोड ही नहीं बचा है। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसे रोड बनाने का मतलब क्या? ये सब जनता का पैसा अपने पेट में जाने की बात है। ये जनता का पैसा सही तरीके से जनता के पास लगना चाहिए, ये हमने सबको कह दिया है। मैं तो कह रही हूं कि ये सब जनता के काम के जायजे लिए जाएंगे, इस तरीके से फ्री किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अरे हम लोगों को नहीं छोड़ा जी, मैं तो ये कहना चाहती हूं अतिवृष्टि से नष्ट जो सोयाबीन का फसल है, मैं पूरे अपने ये चारों पांचों आठों, अब तो आठवां हो गया, आठों क्षेत्र के अंदर घूमी हूं। अभी जब मैं झालावाड़ में थी तो सोयाबीन बिल्कुल खत्म होके, अभी यहां से निकल के गई तो पूरा सोयाबीन खत्म होके पड़ा हुआ है। वहां मैंने पूछा कि भैया यहां कोई आया, कोई गिरदावरी करने, कोई तहसीलदार, कोई कोई ने आके टीपी कुछ किया? उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ यहां। मैंने कलेक्टर से पूछा, वही आपके यहां भी हुआ? यहां कैसा? उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई नहीं आया। कलेक्टर से पूछा, बोले साहब वो तो चल ही रहा है काम, और चल ये रहा है कि आप अखबार पढ़ो तो अखबार में ये कह देंगे कि 50% से नीचे सबका नुकसान नीचे ही हुआ है, किसी का उसके ऊपर हुआ ही नहीं। जयपुर के अंदर बोल दिया कि हम तो मुआवजे के लिए पैसा तैयार रखे हैं, 86 करोड़ रुपए हमने निकाल के रखे हुए हैं, परंतु किसी के पास पैसा पहुंचा है क्या? किसी के पास नहीं पहुंचा। बीपीएल के परिवार के लिए 55,000 रुपए से एक कोठरी बना लो, पहले किश्त के लिए पहुंच जाओ, पहले किश्त प्यार से मिल जाती है, अभी दूसरे किश्त की प्रॉब्लम है। जरा जाओ तो सही, पहला किश्त का आपने अपनी कुठरिया तोड़ दी, उसकी नींव खोद दी, फिर अपन गए कलेक्टर साहब के ऑफिस में, एसडीएम साहब के ऑफिस में कि साहब हमारा दूसरी किश्त का इंतजाम कर दो। पहले बोले कुछ तो इंतजाम करो, अदब इंतजाम करो। तो 55,000 में से 15,000 करोड़ रुपए तो अगर ऐसे ही 15,000 रुपए इस तरीके से चले जाएंगे तो उस बेचारे का घर 40,000 में कैसे बनेगा? ये कहां से बनेगा? मैंने ऊपर से नीचे तक मैं यही देखते देखते आ रही हूं। छबड़ा थर्मल से स्थानीय जनता किसी को रोजगार मिला? नहीं मिला। मैं अभी देख रही थी कवई से छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाने का जो रास्ता है उसमें आपके कोलू केड़ी और बीसर केड़ी के जो गांव के बीच में से दो नदी का जो संगम था, अंधेरी और लासी, ये दोनों जहां मिलती थी वहां एनिकट पूरा बड़ा बना के अपना तो बंदा बना लिया और पूरी की पूरी नहर खत्म कर दी। अरे जो रोड के ऊपर नहर, जो खेतों से निकलती हुई नहर थी, उसका ना नाम ना निशान। आपके खेड़ली गांव, दड़ा गांव, निमुदा गांव, इन लोगों ने चल के सड़क के ऊपर आके मेरे को बताया, ये देखो इनने इतना बड़ा तालाब बना लिया, इसके अंदर तो हमारी सबकी जमीन चली गई है, इसके अंदर हमारा पानी चला गया है, हम सब इस तरह से सूखे बैठे हुए हैं। ये वो इलाका था जहां चावल पैदा होती थी और आज स्थिति हो गई है कि हमारे गांव के अंदर हमको पानी नहीं मिल रहा है। मैं कह रही हूं कि इंडस्ट्री आए बहुत खुशी की बात है, पर इंडस्ट्री किसी गरीब को कुचल दे ये हरगिज हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं होगा। पर मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं, मैं जानती हूं कि 12 के अंता के जो एमएलए साहब है उनका अच्छी तरह से 60-80 इन लोगों के साथ, मुझे मालूम है कि इनके सबके धंधे एक दूसरे के साथ मिल मिल के हो रहे हैं। और मैं ये सबको कहना चाहती हूं कि जो जो लोग इस तरीके से मिलके और धंधा करते हैं वो खबरदार, ये सरकार आएगी तो पहले जनता का नाम लेगी, उसके बाद इनको देखने का काम करेगी। ये आप सबको मैं विश्वास ये भी दिलाना चाहती हूं। परवन सिंचाई योजना, बहुत चिंता है ना जनता की, राहुल गांधी को बहुत जोरदार चिंता है। राहुल गांधी बस भड़बड़ाते हुए आए, 10 तारीख को नरेंद्र मोदी की रैली, नरेंद्र मोदी की रैली जिसमें मैंने कहा प्रदेश अध्यक्ष होते हुए हम लोगों को बैजधारी लोगों को अपने उसमें बुलाना है। और कैसे? पहली दफा राजस्थान के अंदर हम लोग बूथ से लेकर ऊपर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। आप लोग सबने सुना है कि एक बूथ के ऊपर 10 आदमी, एक बूथ 10 यूथ, सुना है ना, सालों साल आपको बताते रहे हैं, ये पहली दफा हम लोगों ने जमीन पे लाया है। पहली दफा एक बूथ के ऊपर 10 यूथ बनने का काम हम लोगों ने चालू किया और मैंने जयपुर के अंदर एक ग्रुप बिठा दिया जो फोन कर करके सबसे पता कर रहा है कि तुम यहां हो कि नहीं, तुम्हारा नंबर है कि नहीं, कि कोई ऐसा ना कुछ, अरे यार कुछ भी कागज भेज दो, कौन चेक करता है? ऊपर के 10 नंबर सही होने चाहिए, नीचे के 10 नंबर सही चाहिए होने चाहिए, बीच में कुछ भी जोड़ दो। मैंने कहा तुम लोग बैठो और एक एक को चेक करो जो चेकिंग हो रही है, और सबको इस तरीके के बैज देने का काम हमने करा। मैं भी एक बूथ की पालक हूं, मेरे नीचे भी 1100 लोग हैं,
और इन 1100 लोगों का काम, इन 1100 लोगों की बात, इन 1100 लोगों को मेरे बूथ पे जोड़ के बीजेपी को वोट दिलवाने का काम बूथ पालक के नाते मैं भी कर रही हूँ। ऐसे बैज आप लोग सबको भी मिले। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। अरे मैं कहना चाहती हूँ कि पर्वन की बात तो अगर करनी थी तो 4 साल पहले करते, और पर्वन की बात इस तरीके से नहीं हो सकती है। सब लोगों को बिठा के, सब लोगों को पूछा जाए कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है, कैसे इसको करना है। परंतु दिल्ली वाले लोगों को क्या मालूम किसको पसंद है, कहां गांव उजड़ेगा, कहां गांव बसेगा। इन सब लोगों से किसने बात की है? किसी ने नहीं बात की। और मैं सब लोगों को कह रही हूं कि ये पानी का काम है, बड़ा काम है। हम इन लोगों सबको काम, पर्वन का तो अनाउंसमेंट अपने टाइम में अपन ने बात की थी, पर मैंने सबको कहा था कि सबको बिठाएंगे, सबसे बात करेंगे, सबको खुश करके और फिर आगे कदम बढ़ाने का काम करेंगे। आपसे काम कुछ पूछे बिना, कुछ बात किए बिना कोई आगे बढ़ सकता है? सवाल ये नहीं उठता है। इसलिए मैंने सब लोगों को कहा कि सबको साथ लेके चलने का काम हम लोग करेंगे। फीडर रेनोवेशन का कार्यक्रम बंद हो गया क्योंकि किसानों को टाइम पे ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। छात्रवृत्ति सिर्फ विज्ञापन में देखे जा रहे हैं, जबकि छात्र भटक रहे इधर से उधर, उनको किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आपने अगर कोई भी पेपर उठा के खोला होगा तो आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े विज्ञापन देखे ना सबने, इतने बड़े बड़े विज्ञापन, इतने मने पेपर के अंदर न्यूज नहीं है, विज्ञापन जरूर है। इतना तो हाल खराब करके रख दिया है। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, एक सरकार अब बननी है, एक सरकार ऐसी बननी है जो जनता की सरकार, एक हम लोगों को मिलके सब 36 के 36 कौम को लेके आगे बढ़ने का काम करना है, एक नए राजस्थान को बनाने का काम करना है, एक ऐसी सरकार को लाने का काम करना है जो 5 साल काम करेगी, 5 महीने नहीं। हम आपको 5 साल वाली सरकार देने को तैयार हैं, आप उसको लेने को तैयार हो? क्यों जी, आप लोग लेने को तैयार हो? अगर हो तो मेरे साथ एक जोरदार नारा देंगे, नारा देंगे राजस्थान के लिए, एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक जोरदार नारा फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। याद रखना जवानों, आप लोगों को आज नौकरी एक भी नहीं दी है, आप लोगों के नौकरियों को सब में जाके अटकाने का काम किया है कोर्ट में इस सरकार ने। मैंने हमारे बच्चों को 5 साल में 10 लाख नौकरी देने का काम किया था, और आने वाले समय में ये टेट वेट का प्रबंधन करके आरपीएससी के द्वारा सबको नौकरी देने का काम हम लोग मिलके करेंगे। ये हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और अपने पैर पे खड़े हों। साथ में महिला की सुरक्षा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि उनके साथ दुष्कर्म हो, कि वो असुरक्षित हो, ये हमारे प्रदेश के अंदर आराम से अपना सिर उठा के चले, ऐसी परिस्थिति लाने का काम हम लोग मिलके करेंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ और बहुत सारा प्यार आप लोगों को देना चाहती हूँ, बहुत सारा प्यार, ये अपना घर ही है, बहुत सारा प्यार सबको। सबसे पूछ के सब बातें होंगी, ये विश्वास के साथ आप लोग सबको प्यार के साथ धन्यवाद देना चाहूंगी। अफीम का मुआवजा, सरकार आ जाए फिर उसके अफीम का मुआवजा है। बहुत सारी अफीम की मुसीबतें हैं, यहाँ किसान बार बार मेरे को कहते हैं, सबसे ज्यादा आपको याद होगा अफीम के पट्टे, अफीम का मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था कि नहीं हुआ? हुआ था, तो याद रखना जी। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा आप लोग जाके जयपुर के अंदर गाड़ने का काम करोगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।